जो आत्मविश्वास नहीं रखता वही नास्तिक है। तुम में से जिन लोगों ने उपनिषदों में सबसे अधिक सुंदर कठोपनिषद का अध्ययन किया है, उन्हें स्मरण होगा कि किस तरह वे राजा एक महायज्ञ का अनुष्ठान करने चले थे और दक्षिणा में अच्छी अच्छी चीजें न देकर अनुपयोगी गायें और घोड़े दे रहे थे, और कथा के अनुसार उसी समय उनके पुत्र नचिकेता के हृदय में श्रद्धा का आविर्भाव हुआ। मैं तुम्हारे लिए इस श्रद्धा शब्द का अंग्रेजी अनुवाद न करूंगा क्योंकि यह गलत होगा। समझने के लिए अर्थ की दृष्टि से यह एक अद्भुत शब्द है और बहुत कुछ तो इसके समझने पर निर्भर करता है। हम देखेंगे कि यह किस तरह शीघ्र ही फल देने वाली है। श्रद्धा के आविर्भाव के साथ ही हम नचिकेता को आप ही आप इस तरह बातचीत करते हुए देखते हैं। मैं बहुतों से श्रेष्ठ हूँ, कुछ लोगों से छोटा भी हूँ, परंतु कहीं भी ऐसा नहीं है कि सबसे छोटा हूँ, अतः मैं भी कुछ कर सकता हूँ। उसका यह आत्मविश्वास और साहस बढ़ता गया और जो समस्या उसके मन में थी उस बालक ने उसे हल करना चाहा। वह समस्या मृत्यु की समस्या थी। इसकी मीमांसा यम के घर जाने पर ही हो सकती थी, अतः वह बालक वहीं गया। निर्भीक नचिकेता यम के घर जाकर 3 दिन तक प्रतीक्षा करता रहा, और तुम जानते हो कि किस तरह उसने अपना अभीप्सित प्राप्त किया। इस श्रद्धा को तुम्हें पाना ही होगा। पश्चिमी जातियों द्वारा प्राप्त की हुई जो भौतिक शक्ति तुम देख रहे हो वह इस श्रद्धा का ही फल है, क्योंकि वे अपने दैहिक बल बल के विश्वासी हैं, और यदि तुम अपनी आत्मा पर विश्वास करो तो वह और कितना अधिक कारगर होगा। इसके लिए हमें श्रद्धा की ही जरूरत है। हमें यहाँ जितने भी मनुष्य हैं सभी को इसकी आवश्यकता है। इसी श्रद्धा को प्राप्त करने का महान कार्य तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। हमारे जातीय खून में एक प्रकार के भयानक रोग का बीज समा रहा है, और वह है प्रत्येक विषय को हंसकर उड़ा देना, गांभीर्य का अभाव। इस दोष का संपूर्ण रूप से त्याग करो, वीर बनो, श्रद्धा संपन्न हो, और सब कुछ तो इसके बाद आ ही जाएगा। विश्वास, सहानुभूति, दृढ़ विश्वास और ज्वलंत सहानुभूति चाहिए। श्रद्धा, श्रद्धा, अपने आप पर श्रद्धा, परमात्मा में श्रद्धा, यही महानता का एकमात्र रहस्य है।